संसद में शीतकालीन सत्र के 11वें दिन इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली है। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष ने धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण सदन चलाने का आरोप लगाया है। वहीं मंगलवार को 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी कई मुद्दों पर हंगामा जारी रहा। इसके बाद स्पीकर ने बुधवार तक के लिए सदन स्थगित कर दिया। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक स्थगित कर दी गई।